अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हफीज़ा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त। तो सबसे पहले मैं तेल डालूँगी, और ये कल रात का तेल बचा हुआ था, सालन में ज़्यादा हो गया था तो मैंने निकाल के फ्रीज़र कर लिया था, यही डालूँगी अब मैं। इसमें हम जल्दी जल्दी प्याज डाल देंगे। ये प्याज डाल चुकी हूँ मैं, और ये एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी डालूँगी। ये एक पाव गोश्त है, अब इसको अच्छी तरह से भुनना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए, गोश्त का कलर वाइट ना हो जाए। मेरे पास में एक चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई, एक चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी है, और ये आलू है, ये थोड़ा पानी में रखा हुआ है काट के, और ये तीन प्याज चार प्याज लिए मैंने एक पाव गोश्त के लिए। गोश्त का कलर वाइट हो चुका है, और ये मसाले जो हैं ये मैं इसमें एक साथ डाल दूँगी। अब इसमें मैं टमाटर 5 अदर टमाटर भी डाल दूँगी पीस कर। तो चलिए मैं टमाटर पीस के डाल दूँगी रखूँगी। ये देखिए हमारा सालन इतना हो चुका है, वो ये टमाटर हमने 5 अदर मैंने टमाटर लिए है और उसको पीस लिया है, अब ये भी इसमें शामिल कर दूँगी मैं। बस इसको अच्छी तरह से भून के और इसमें पानी डाल के इसको कवर करके पका रहे हैं। भून चुका है हमारा, और इसमें हम पानी डाल देंगे। भून चुका है हमारा, और इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालेंगे, 3 ग्लास टोटली पानी बच गए हैं, अब इसको हम कवर करके पका लेंगे। हमारा सालन तैयार हो चुका है आलू गोश्त। देखिए अब इसमें हम आपको जितना शरबत चाहिए इतना आप पानी डाल सकते हैं। ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।